और एक बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थान से जैसलमेर से बड़ी खबर है, जहां पर ईरान से लौटे एक और भारतीय में कोरोना संक्रमण पाया गया है। बता दें ईरान से जैसलमेर 484 नागरिक पहुंचे थे, जिन्हें लाया गया था, एयरलिफ्ट किया गया था जैसलमेर में। अभी तक 32 लोगों को कोरोना हो चुका है। अब एक और शख्स में कोरोना के संक्रमण जो है कोरोना के लक्षण पाए गए हैं और रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जैसलमेर में 32 लोगों को अभी तक कोरोना हो चुका है। वहीं इसके अलावा अगर बात करें, इसको मिलाकर राजस्थान में कोरोना के कुल 1229 केस अभी तक सामने आ चुके हैं। 17 लोगों की मौत हो चुकी है। जयपुर में कोरोना के 494 केस सामने आ चुके हैं। 7 लोगों की मौत हुई है। राजस्थान का भिलवाड़ा, हालांकि जिस तरह से सबसे ज्यादा मामले सामने आए, उसके बाद में अब राजस्थान का भिलवाड़ा पूरी तरह से कोरोना फ्री जिला बन चुका है। कोटा में कोरोना के 92 केस सामने आ चुके हैं। वहीं आपको बता दें, जिस तरह से कोटा में कई छात्र फंसे हुए थे, उन्हें अब यूपी सरकार ने इन छात्रों को वहां से निकाला है। यूपी सरकार ने 250 बसें भेजी थी, जिनके जरिए इन तमाम छात्रों को ले जाया गया। यूपी सरकार ने छात्रों को बसों के जरिए वापस अपने प्रदेश बुला लिया है और तमाम जो ये कहा जाए सुरक्षा के जो इंतजाम है वो भी यहाँ पर देखने को मिले। सैनिटाइजेशन किया गया, मास्क उपलब्ध कराए गए और बस में भी सोशल डिस्टेंसिंग की तस्वीर जरूर नजर आई। कोचिंग के लिए उत्तर प्रदेश के करीब 6000 छात्र इस समय कोटा में थे।